ग्रुप्स के लेडीज़ के साथ में जो राहुल जी का इंटरेक्शन था क्लासिक कन्वेंशन में, आपने देखा होगा उस दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेडीज़ आकर वहाँ पर किस तरह से अपना दुख दर्द राहुल जी को बता रहे थे। उसके बाद में इमीडिएटली नेक्स्ट डे जो वड्डी लेनी रुणालू बोलते हैं हम लोग, जो बिना इंटरेस्ट का लोन्स इन महिलाओं को ग्रुप्स के लेडीज़ को देते हैं, 930 करोड़ रुपए टीआरएस के गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। तो हम इसके ऊपर हर्ष प्रकट करते हैं और ये बताते हैं, और राहुल गांधी जी के आने के वजह से टीआरएस के लोगों में डर पैदा होके उन्होंने ये अमाउंट रिलीज़ किया है। और साथ ही साथ हम लोग ये दुख की बात भी है कि सुनीता लक्ष्मा रेड्डी जी, जो उनके हस्बैंड का कल वर्धंती था, वो अपने नरसापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको वहाँ पे ब्लड डोनेशन वगैरह अलग अलग कार्यक्रमों में रखा था, मगर उन्होंने उनको 144 सेक्शन वहाँ पे लगाकर लागू करके उनको अरेस्ट किया गया। ये जो है वो बहुत गलत काम है टीआरएस की तरफ से, और ये और एक बार जताता है कि टीआरएस को लोगों के लिए महिला बोले तो एकदम बहुत कम देखते हैं, वो लोग महिलाओं को कहाँ पे भी सम्मान नहीं देते हैं, इसका ये एक एग्जाम्पल है बोल के हम लोग ये बताते हैं। और टीआरएस को हम चेतावनी देते हैं, अगर महिलाओं के ऊपर कहीं भी कभी भी इस तरह के घटनाएं घटेंगे तो महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी डट के खड़ा होगी और उनसे लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, ये बात बताते हुए। बाकी जो एसएचजी ग्रुप के लेडीज़ है या आशा वर्कर्स है या आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जो भी महिलाएँ हैं, उनके साथ हम खड़े रहेंगे हमेशा के लिए और उनकी तरफ से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और इस समय एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है, जो केटीआरजी जो लैंग्वेज बात कर रहे हैं, कोई भी मतलब पढ़ा लिखा इंसान उस तरह की बातें कभी नहीं करता है। उनकी जो भाषा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जिस तरह से सामने वाले इंसान को अटैक करते हैं, कोई भी जाहिल इंसान ही इस तरह से बात करता है, जाहिल आदमी ही इस तरह से कमेंट कर सकता है, तो वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करे तो लोग उनको थोड़ा सम्मान देंगे, वरना उनका सम्मान तो बहुत कम हो गया है कि जिस तरह से लैंग्वेज वो लोग यूज़ कर रहे हैं।